बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों पाकिस्तान के बहुत ही एक मायनाज मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम अली शाह, जिनकी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा लाखों में उनकी फॉलोइंग है। और वो पाकिस्तान के एक मायनाज मोटिवेशनल स्पीकर भी कहलाए जाते हैं। तो पिछले दिनों उनकी एक मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। तो उस मुलाकात के बाद से लेकर अब तक वो मुसलसल ही खबरों में हैं और खबरों की जीनत बने हुए हैं। तो कासिम अली शाह एक हैं, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं, वो बोलते अच्छा हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने यके बाद दीगरे इमरान खान साहब से मुलाकात की, फिर उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ से मुबैना तौर पर मुलाकात की, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक पार्टी ज्वाइन कर सके। और फिर दोनों मुलाकातों के बाद उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी दिए, जिसकी वजह से एक एक कंट्रोवर्सी सी पैदा हो गई है। और जो नेटिजन्स हैं, जो इंटरनेट ट्रोल्स हैं, जो इंटरनेट के वॉरियर्स हैं, वो हाथ धोकर कासिम अली शाह के पीछे पड़ गए हैं कि उन्होंने जो बयान दिया था कि इमरान खान के अंदर अकड़ ज़्यादा है, वो गुरूर उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, शहबाज शरीफ डाउन टू अर्थ और मिलनसार इंसान है। तो इस सारी चीज़ों को लेके वो पिछले 3-4 दिनों से ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वो ट्रेंड करते जा रहे हैं। कहीं उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं कि वो खान साहब के आगे से टिशू उठा रहे हैं, टिशू उठा के जेब में डाल रहे हैं। कहीं उनकी वो बैठे किस तरह से हैं, अकड़ होके बैठे हैं और बिल्कुल कोने में बैठे हैं सोफे के। तो इन सारी चीज़ों को लेके उनके ऊपर अजीब व गरीब किस्म की मीम्स बनाई जा रही हैं, ट्रोलिंग की जा रही है। तो ये मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। एक इंसान जो कि उनकी कोई भी राय हो सकती है, हो सकता है हम उनकी जो मोटिवेशनल स्पीक जो बात करते हैं हमें ना पसंद हो, वो वैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर वैसे भी एक प्रोफेशनल है, जिस तरह से कोचेज होते हैं और जो काउंसलिंग करते हैं, इसी तरह से मोटिवेशनल स्पीकर भी जो होते हैं उनका काम यही होता है, वो मोटिवेट ही करते हैं। खुद उन्होंने कोई बिजनेस किया हो ना हो, खुद उन्होंने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की हो ना हो, लेकिन वो अपने स्टोरीज बता के और केस स्टडीज बता के वो लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग जो है ना मोटिवेशन पकड़ें और लोगों को शऊर पैदा हो। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद, चूँकि उन्होंने मुबैना तौर पर इमरान खान से टिकट भी मांगा है और वो सियासत में भी आने का सोच रहे हैं, तो सियासत तो बहुत ही बेरहम चीज़ है, उसमें उनको कोई भी मर्सी नहीं मिलेगी। उनको उनकी करेक्टर असैसिनेशन भी की जाएगी, उनके ऊपर गन भी उछाला जाएगा, उनके ऊपर हर किस्म के इल्ज़ाम भी लगाए जाएंगे। तो जो काम कर रहे हैं वो सही है, वही करते रहें और उसी से ही वो रहें। सियासत में आके खाम खा अपना नाम वो ख़राब करेंगे और अपने आप को इस तरह से बदनाम करेंगे। और उन्होंने चंद इंटरव्यूज़ भी दिए हैं चैनल्स को और कहा है कि भाई ये मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं इतना बदनाम नहीं हुआ, इतनी गालियां मैंने नहीं खाई हैं जितनी पिछले 3-4 दिनों में खाई हैं। तो अब वो सोचेंगे इससे पहले भी, सियासत में आने से पहले, कि भाई ये काम रहने ही दिया जाए, इस सारे गंदे धंधे में ना ही पड़े तो अच्छा है। तो ठीक है, अब एक हद तक होनी चाहिए, इतना भी किसी को वो ना करें कि भाई वो मजबूर हो जाए। तो बाकी हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।